नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSC ग्रुप डी भर्ती 2018, तो दोस्तों 18,218 पदों के लिए जो एग्जाम नवंबर में संपन्न हो चुके थे, उसके बाद आप लोगों को इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा हरियाणा ग्रुप डी का। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियली रूप से रिजल्ट जारी कर दिया है HSC ने। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फिलहाल वेबसाइट इसकी चल नहीं पा रही है, तो मेरे पास PDF फाइल है, मैं वो PDF फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में से PDF फाइल डाउनलोड करें और अपना रिजल्ट चेक करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जर्नल का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है और 133 पेज का ये PDF फाइल है, आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर 6,142 पद यहाँ पर जर्नल कैटेगरी के लिए आरक्षित थे और उनमें रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट दिया गया है। जैसे ये रिजल्ट दिया गया है 41,81,000,309 और ये रोल नंबर दिए गए हैं, तो आप इन रोल नंबर को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों फिलहाल यहां पर वेटिंग कैटेगरी भी इन लोगों ने जारी की है, तो वेटिंग कैसे आपको चेक करना है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है, देखिए ये कुछ 23,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर कॉल किए गए हैं, तो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी इसमें। इन्होंने इसी में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का भी नाम दे दिया है, ठीक है। तो वेटिंग जो आई है उसके आगे इन्होंने कट ऑफ भी दी है कि कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है। तो वो कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या गई है इसकी, अनुमानों से कहीं ज़्यादा यहाँ पर इनका कट ऑफ रहा है। और मैं आपको कट ऑफ ये देख सकते हैं दोस्तों, ESM जर्नल वेटिंग 40, ठीक है, गोले में दिया गया है 40 पे। और यहाँ आगे भी देख सकते हैं और कैटेगरीज की भी देख सकते हैं आप, इस तरीके से 38 गया है ESM SC का, ठीक है, ESM SC 38। अब यहाँ और भी रिजल्ट देख सकते हैं कट ऑफ में, ये जो वेटिंग लिस्ट में ESM सेल्फ एंड डिपेंडेंट ऑफ ESM 45% पे हुआ है ESM SC वेटिंग का, ठीक है। इस तरीके से तमाम कैटेगरीज की यहाँ पर कट ऑफ दी गई है, ठीक है। और अब सेकंड लिस्ट इसकी नहीं आएगी, जो रिजल्ट है यही है और इनमें से ही 18,218 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर HSC के द्वारा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो कोई भी ब्राउज़र में खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर टूल्स में जाना है और टूल्स में जा कर के अपना यहाँ पर जैसे कोई भी रोल नंबर हो वो आपको यहाँ पर जैसे टाइप कर देना है, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर अब देख के चेक करना है, जैसे ये रोल नंबर था अपने पास, ये वाला ही ले लेते हैं। तो अगर जैसे ये अगर आपका नाम आया होगा तो इस तरीके से दिखा देगा ये, जैसे 41,81,87,45,18, ठीक है। अब हम इसको सर्च कराएंगे, तो जैसे 48 था यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर ये देखिए, अगर आपका आया होगा तो ये यहाँ पर इंडिकेशन दिखा देगा 81,41,87। तो ये जैसे आ गया ना, अब जैसे ये रोल नंबर हमने टाइप किया और ये आपको कुछ ग्रीन सा ये यानी कि कलर में दिखने लगे अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को PDF फाइल दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करें और चेक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।